माना टेनिस के तीन खिलाड़ी हैं एक्स वाई और जेड, और कहा गया है कि दो लोगों का चयन करना है और फिर उनका मैच होना है। तो एक्स वाई और जेड यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं या तीन खिलाड़ी हैं, तो दो दो के यदि हम चयन करेंगे तो पहली स्थिति आ सकती है एक्स और वाई, दूसरी स्थिति आ सकती है वाई और जेड, और तीसरी स्थिति आ सकती है जेड और एक्स। यहाँ पर खिलाड़ियों का जो क्रम है यह महत्वपूर्ण नहीं है, केवल खिलाड़ियों की संख्या महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार तीन खिलाड़ियों में दो खिलाड़ियों के जो चयन के प्रकार हैं या फिर यहाँ पर जो विन्यास बन रहा है, इसी को संचय के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ अवधारणाएं और फिर संबंधित प्रश्न। संचय या कॉम्बिनेशन। संचय में वस्तुओं के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है जैसा कि क्रमचय में ध्यान दिया जाता है। संचय में केवल समूह की आवश्यकता होती है। किसी भी समूह में वस्तुएं किसी भी क्रम में लिखी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास तीन वस्तुएं ए बी सी है तो इनमें से दो वस्तुएं एक साथ लेने पर केवल तीन संचय बनेंगे, जो कि है ए बी बी सी और सी ए। इसी प्रकार तीन वस्तुओं को एक साथ लेकर केवल एक संचय ए बी सी प्राप्त होता है। पुनः यदि हमारे पास चार वस्तुएं ए बी सी डी है तो इनमें से दो वस्तुओं को एक बार में लेकर बने संचयों की संख्या छह है। ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी तथा तीन वस्तुएं एक बार में लेकर बने संचयों की संख्या चार होगी, ए बी सी ए बी डी ए सी डी और बी सी डी तथा चार वस्तुओं को एक साथ लेकर केवल एक संचय ए बी सी डी प्राप्त होता है। संचयों की संख्या ज्ञात करना। दी हुई एन असमान वस्तुओं में से एक बार में कोई आर वस्तुएं चुने जाने पर बने संचयों की संख्या ज्ञात करना। माना कि अभीष्ट संचयों की संख्या x है, प्रत्येक समूह में आर वस्तुएं हैं, इनमें से एक समूह लीजिए। इस समूह से आर फैक्टोरियल क्रमचय प्राप्त होंगे, क्योंकि आर वस्तुओं को आर फैक्टोरियल भिन्न भिन्न प्रकारों से रख सकते हैं। इसी प्रकार एक्स समूहों में से प्रत्येक से आर फैक्टोरियल क्रमचय बनेंगे, अतः कुल क्रमचयों की संख्या बराबर एक्स इंटू आर फैक्टोरियल। परंतु एन वस्तुओं में से एक बार में आर वस्तुएं लेने पर बने क्रमचयों की संख्या NPR होगी, इसलिए x into r factorial equal to NPR। अब यदि r factorial को पक्षांतर कर दें तो हमें मिलेगा x equal to NPR upon r factorial, x equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial। तो इसे यदि और आगे सरल करें तो हम लिख सकते हैं 1 into 2 into 3 up to n minus r into n minus r plus 1 और अप टू n minus 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n minus r का फैक्टोरियल। तो अंश में जो 1 2 3 अप टू n minus r है और हर में n minus r का फैक्टोरियल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा x इक्वल टू n इंटू n minus 1 इंटू n minus 2 अप टू n minus r plus 1 इंटू n अपॉन r फैक्टोरियल। दी हुई n वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुएं लेने पर प्राप्त संचयों की संख्या को संकेत NCR से प्रदर्शित करते हैं, जहां अक्षर C संचय को व्यक्त करता है। अतः NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। माना इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं। अब यदि समीकरण एक में r इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें यह ज्ञात है कि जीरो का फैक्टोरियल वन होता है। तो एन सी जीरो इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो टू फैक्टोरियल एन माइनस जीरो इक्वल टू वन। समीकरण एक में आर इक्वल टू वन रखने पर एन सी वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा एन। और समीकरण एक में r इक्वल टू n रखने पर एन सी एन इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n माइनस n का फैक्टोरियल।
इक्वल टू वन। तो इस तरीके से हमने देखा कि एन सी जीरो इक्वल टू वन होता है, एन सी वन इक्वल टू एन होता है और एन सी एन इक्वल टू वन होता है। क्रमचय और संचय में संबंध, हम यह जानते हैं कि एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल तथा एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से एन पी आर इक्वल टू आर का फैक्टोरियल इंटू एन सी आर लिखा जा सकता है और यही क्रमचय और संचय में अभीष्ट संबंध को दर्शाता है, पूरक संचय या कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। दी हुई एन वस्तुओं में से एक बार में आर वस्तुएं लेने पर प्राप्त संचयों की संख्या, उन एन वस्तुओं में से एक बार में एन माइनस आर वस्तुओं को लेने पर प्राप्त संचयों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो इसका यदि हम सत्यापन देखें तो पहला सूत्र विधि है, एन सी आर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसमें r के स्थान पर यदि आप n माइनस आर रखें तो आपको मिल जाएगा एन सी एन माइनस आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन सी आर। तो इस तरीके से दूसरी विधि यदि हम देखें बिना सूत्र से, तो दी हुई n वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुएं चुन लेने के बाद n माइनस आर वस्तुओं का समूह शेष रहता है। यह तथ्य प्रत्येक r वस्तुओं के चुने हुए समूह के लिए सत्य है, अतः r वस्तुओं के भिन्न भिन्न संचयों की संख्या बराबर n माइनस आर वस्तुओं के भिन्न भिन्न संचयों की संख्या। इसे हम लिख सकते हैं एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। तो इसे हम एक उपप्रमेय लिख सकते हैं कि यदि एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई तो x बराबर y या फिर x माइनस वाई बराबर शून्य। एक सूत्र है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। इसको हम दो अलग अलग विधियों से सूत्र करेंगे, जिसमें पहला हम सूत्र विधि की सहायता से सिद्ध करेंगे। तो चलिए सिद्ध करते हैं, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, इसको हमें सिद्ध करना है कि n प्लस वन सी आर के वह बराबर है। तो पहले एन सी आर जो होता है सूत्र, उसका हम उपयोग करेंगे। ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और ये n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसी तरीके से एन सी आर माइनस वन में अंश में आप लिखेंगे n का फैक्टोरियल, हर में लिखेंगे r माइनस वन का फैक्टोरियल और फिर n माइनस आर और माइनस प्लस वन आएगा और ये इसका फैक्टोरियल होगा। तो चूंकि हमें n प्लस वन सी आर ऐसा सिद्ध करना है तो अंश में हमें n प्लस वन का फैक्टोरियल लाना होगा। तो इसका मतलब ये कि अंश में और हर में n माइनस आर प्लस वन का गुणा और भाग करते हैं, तो ये r का फैक्टोरियल और ये n माइनस आर का फैक्टोरियल और ये n माइनस आर प्लस वन। तो n माइनस आर प्लस वन अंश और हर दोनों में हमने इसमें गुणा किया है और इसी प्रकार अगले जो पद है इसमें हम r का गुणा कर देते हैं, तो r गुणा n फैक्टोरियल और फिर हर में भी हम r का गुणा करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे और ये r माइनस वन का फैक्टोरियल और फिर n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ये इक्वल टू n फैक्टोरियल और ये n माइनस आर प्लस वन और ये आपका r फैक्टोरियल है। ये और ये पद देखिए n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो इसे आप लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि इस पद में एक जोड़ने पर आपको ये मिलेगा तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो n माइनस आर प्लस वन के फैक्टोरियल के बराबर होगा। फिर इसी तरीके से r इंटू ये है n का फैक्टोरियल और r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं r का फैक्टोरियल और फिर n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय पद में हर जो है वह समान है, तो इस तरीके से हम अंशों का सीधा योग कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल n और ये n माइनस आर प्लस वन
और फिर ये r और ये n का फैक्टोरियल इक्वल टू अंश के दोनों पदों पर n फैक्टोरियल जो है ये कॉमन है। यदि n फैक्टोरियल आप कॉमन लें तो ये मिलेगा n माइनस आर प्लस वन प्लस आर और फिर ये अपॉन में r का फैक्टोरियल है और n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल है। तो ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा n प्लस वन, तो ये फैक्टोरियल n और फिर ये n प्लस वन और हर में है फैक्टोरियल r और n माइनस आर प्लस वन। एन प्लस वन और फैक्टोरियल n, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन, ये n प्लस वन का फैक्टोरियल है और ये r है, तो इसे आप लिख सकते हैं n प्लस वन माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखिए ये n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल r और ये n प्लस वन माइनस r का ये फैक्टोरियल है, तो इट इज़ नथिंग बट n प्लस वन सी आर। और यही हमें सिद्ध करना था कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, जो कि इस प्रकार सिद्ध हुआ। द्वितीय विधि जब हम बिना सूत्र का उपयोग करें इसे सिद्ध करेंगे। माना कि हमारे पास एन प्लस वन वस्तुएं हैं जिनमें से एक बार में आर वस्तुएं लेनी है, तो संचयों की संख्या n प्लस वन सी आर होगी। यदि एक विशेष वस्तु को प्रत्येक बार छोड़ दिया जाए तो संचयों की संख्या वही होगी जो शेष n वस्तुओं में से r के लेने पर बने संचयों की संख्या अर्थात n सी आर होगी। अब यदि उस विशेष वस्तु को सदैव सम्मिलित किया जाए तो संचयों की संख्या वही होगी तो शेष n वस्तुओं में से r माइनस वन वस्तुओं के संचयों की संख्या होगी। संचयों की संख्या वही होगी जो शेष n वस्तुओं में से r-1 वस्तुओं के संचयों की संख्या होगी अर्थात n cr-1 होगी। इन दोनों प्रकार के संचयों की संख्या का योग n प्लस वन वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं के चुने जाने पर संचयों की संख्या के बराबर होता है अर्थात n cr प्लस n cr-1 इक्वल टू n प्लस वन CR। तो आगे हम एक और सूत्र देखेंगे, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। तो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, इसको हमें सरल करना है। अब एन सी आर का सूत्र आपको पता है कि ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये फैक्टोरियल n और r के स्थान पर है यहाँ पर r माइनस वन, इसका फैक्टोरियल और फिर n माइनस आर और माइनस प्लस वन का फैक्टोरियल। तो इसे जब आप आगे सरल करेंगे तो आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और ये n माइनस आर का फैक्टोरियल और फिर ये जो हर में है वो अंश में चला जाएगा r माइनस वन और n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ से आप n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं, तो r माइनस वन का फैक्टोरियल है और हर में r का फैक्टोरियल है। इसी तरीके से अंश में n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल है और n माइनस r का फैक्टोरियल है। तो इस r को आप लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ताकि अंश में जो r माइनस वन का फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जाए। और इसी तरीके से ये हर में जो n माइनस आर का फैक्टोरियल है इसी तरीके से रहेगा, लेकिन अंश में जो n माइनस आर प्लस वन का जो फैक्टोरियल है इसे आप लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू, इसमें एक घटाएंगे तो मिलेगा n माइनस आर और उसका फैक्टोरियल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये r माइनस वन का फैक्टोरियल और ये भी r माइनस वन का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल होगा और उसी प्रकार n माइनस आर का फैक्टोरियल अंश और हर दोनों में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल रहा है कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रतिबंधित संचय या रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, सिद्ध करना कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं के संचय जिनमें p विशेष वस्तुएं, पहली स्थिति, सदैव सम्मिलित हो
एन माइनस पी सी आर माइनस पी होंगे। और दूसरी स्थिति, जब p विशेष वस्तुएं कभी सम्मिलित ना हो तो n माइनस पी सी आर होंगे। अब हम इसका सत्यापन देखते हैं। तो पहली स्थिति, जब p जो विशेष वस्तुएं हैं वो सदैव सम्मिलित होंगी, तो p विशेष वस्तुओं को अलग रखकर शेष n माइनस पी वस्तुओं को चुनना। अतः इस प्रकार के संचयों की संख्या n माइनस पी सी आर माइनस पी होगी। अब यदि प्रत्येक संचय के साथ p विशेष वस्तुओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो r वस्तुओं के ऐसे समूह प्राप्त होंगे जिनमें से कि प्रत्येक समूह में p वस्तुएं अवश्य हो। अतः अभीष्ट क्रमचयों की संख्या बराबर n माइनस पी सी आर माइनस पी होगी। दूसरी स्थिति, हमें p विशेष वस्तुओं को किसी भी संचय में सम्मिलित नहीं करना है, इसलिए शेष n माइनस पी वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर संचय बनाते हैं। अतः अभीष्ट संचयों की संख्या बराबर n माइनस पी सी आर होगी। अब चलिए देखते हैं आगे इससे संबंधित प्रश्न। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है 5C3। तो इसे हल करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि एन सी आर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इससे आप 5C3 को, इसका मतलब है कि पहले आप 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे और हर में आएगा r मतलब 3 का फैक्टोरियल और 5 ऋण 3 का फैक्टोरियल। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और फिर ये 2 का फैक्टोरियल। तो 5 का जो फैक्टोरियल है इसे आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और इसी तरीके से ये 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल को आप 2 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो ये 3 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 दूनी 4, तो इस तरीके से 5 और 2 का गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा 10। ये पहली विधि, और अगर आप द्वितीय विधि यूज़ करना चाहें तो ये काफ़ी आसान है। 5C3, तो नीचे में जितनी संख्या है 5C3, नीचे में 3 है, इसका मतलब है इसमें एक एक कम करते जाइए, 3 गुना 2 गुना 1, और इसी तरीके से अंश में 5 में एक कम करेंगे मिल जाएगा 4, और 4 में एक कम करेंगे मिल जाएगा 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो इस तरीके से 5 गुणित 2 बराबर 10। या फिर आप पूरक संचय का उपयोग करके 5C3 को आप लिख सकते हैं 5C5-3, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5C2, और 5C3 को अभी जिस तरीके से हमने हल किया था 2, तो 2 में एक कम करेंगे तो 2 में एक कम करेंगे मिल जाएगा 1, तो इसी तरीके से 5 और उसमें एक कम करेंगे मिल जाएगा 4, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो इस तरीके से 5 गुना 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10। तो बड़े बड़े प्रश्नों को आप पूरक संचय का उपयोग करके भी बड़े आसान तरीके से सरल कर सकते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है 12C4। तो 12C4 को आप हल कर सकते हैं NCR के सूत्र से। तो 12C4 इक्वल टू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 12-4 का फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 12 का फैक्टोरियल और ये 4 का फैक्टोरियल और ये 8 का फैक्टोरियल। आगे 12 को आप लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। फिर इसी तरीके से 4 को आप लिख सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर ये 8 का फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल रहा है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसे जब आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 495, या फिर हम सरल करके देखते हैं 3 3 9 और 4 3 12 और 2 5 10। तो ये 3 × 11 × 5 × 3, 3 3 9 9 5 45, तो 11 × 45, और 11 और 45 को जब आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा 495, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। या फिर आप द्वितीय विधि का उपयोग कर सकते हैं सीधे तरीके से। आप
इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो 12C4 है, नीचे में जो संख्या ये 4 है, 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 संख्याएं हैं। उसी तरीके से 12 में एक एक घटाते जाइए 4 स्टेप तक, तो 12 में एक घटाएंगे मिल जाएगा 11, फिर इसमें एक घटाएंगे मिल जाएगा 10, और इसमें एक घटाएंगे मिल जाएगा 9। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो एज इट इज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने जो सरल किया है 495, ये आ गया। तो आपको जो विधि आसान लगती है उसका उपयोग करके आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न दिया गया है 25C22। तो पूरक संचय का उपयोग करके आप 25C22 को लिख सकते हैं 25C25-22। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25C3। अब 25C3 को हमने हल किया था, या इस तरीके के प्रश्न को हमने हल किया था, तो 25 to 24 और ये 23, क्योंकि नीचे में 3 है तो ये आपको मिल जाएगा 3 गुना 2 गुना 1। जब आप इसको सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2300, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो इसमें अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि यदि 15CX = 15CY और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई है, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, यह कहा गया है। तो 15CX = 15CY यह दिया गया है, तो आप पूरक संचय का उपयोग करके आप लिख सकते हैं 15C (15-X) = 15CY पूरक संचय से। तो ये n देखा, एन सी आर में ये अगर n समान है और दोनों r समान है, तो इसका मतलब ये कि 15-X जो है ये y के बराबर है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x + y = 15, और यही वह मान है जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि 2NC3 और NC2 का जो अनुपात है ये 44:3 हो, तो R के किन मानों के लिए NCR का मान 15 होगा, यह पूछा गया है। तो पहले जो चीज़ें दी गई है उसका उपयोग करते हैं। यह दिया है कि 2NC3 और NC2 इसका जो अनुपात है यह हमें 44:3 या 44:3 दिया गया है। तो पहले इसे हम सरल कर लेते हैं और फिर 44:3 से उसको इक्वेट करके सरल करेंगे। तो इसे आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2n का फैक्टोरियल और फिर 3 का फैक्टोरियल और फिर 2n-3 का फैक्टोरियल, और इसी तरीके से ये n का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल और फिर n-2 का फैक्टोरियल। आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा 2n और ये फैक्टोरियल 3 और फिर ये 2n-3। इसी तरीके से ये n का फैक्टोरियल और ये 2 का फैक्टोरियल अंश में चला जाएगा और n-2 का फैक्टोरियल भी अंश में चला जाएगा। आगे सरल कर सकते हैं, फैक्टोरियल जो 2n है इसे आप लिख सकते हैं 2n (2n-1) (2n-2) और फिर 2n-3 का फैक्टोरियल, और ये 3 को आप लिख सकते हो 3 (2 का फैक्टोरियल और ये 2 का फैक्टोरियल और ये n-2। ये 2n-3 जो है वो और हर में 2n-3, ये फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ का जो 2 फैक्टोरियल है ये फैक्टोरियल 3 (2 का फैक्टोरियल और ये 2n-3 का फैक्टोरियल n-2, और फिर फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हो n (n-1) (n-2) का फैक्टोरियल। अब जितने पद कैंसिल हो रहे हैं उसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये पद इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये फैक्टोरियल 2 ये फैक्टोरियल 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, n-2 ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल हो रहा है। तो आगे सरल करते हैं, ये 2n और फिर 2n-1, इन दोनों पदों से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिल जाएगा n-1 और फिर ये अपॉन 3 और
अंश में दोनों पद कैंसिल हो चुके हैं और ये n इंटू एन माइनस वन ये इक्वल टू है 44 अपॉन 3, 44 अपॉन 3। तो यहाँ से आपका n माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा और ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4, आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2n - 1 = 11, 2 × 2 = 4, तो 4 × 11 = 44। तो ये 2n - 1 जो है ये आपको मिल रहा है 11 के बराबर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सरल करने पर 2n = 12, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको n = 6। n = 6 का मान मिल चुका है और ncr = 15। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि ncr = 15 और n का मान हमें मिला है 6, 6cr = 15 है और 15 को आप 6c2 लिख सकते हैं या फिर आप 6c4 लिख सकते हैं। 6c4 पूरक संचय की परिभाषा से 6c2 भी होगा। तो यहाँ पर r = 2 और r = 4 ये दो आंसर आपको मिल रहा है, r = 2 और 4, और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था।